Hello students, I hope all of you are in great health and your preparations are going really really well, right? So इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत कॉमन क्वेरी की जो मेरे पास इसमें भर भर के आ रही है कि सर हाउ टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर बुक। मैं कोई एक बुक लेता हूँ तो सर मुझे उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए जिससे मैं एक अपना टारगेटेड स्कोर अचीव कर पाऊँ, उस बुक को खत्म कर पाऊँ, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू क्लियर कि ये वीडियो मैं जेई मेन्स के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जेई मेन्स ज्यादा बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। मैं हिंट दूंगा जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के बच्चों के लिए भी, बट मोस्टली जेई मेन्स के ऊपर हम इंक्लाइंड होकर बात करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट विच बुक यू आर सॉल्विंग सो दैट आई कैन गिव यू एनी पॉइंटेड आइडिया इफ आई हैव नॉट कवर्ड दैट बुक। मैं यहां पर दो तीन बड़ी बड़ी जो किताबें हैं जो जनरली हम फॉलो करते हैं, चाहे वो सेंगेज पब्लिकेशन हो, चाहे वो टाटा मैग्रॉ हिल हो, चाहे वो आरडी शर्मा हो, तो इन तीन किताब के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं या कोई भी जेनेरिक किताब लेते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, आपको कुछ थ्योरी दे रखी होगी, बहुत ब्रिज फॉर्म में होती है जनरली थ्योरीज इन द मैथ्स, और उसके बाद कुछ सॉल्व क्वेश्चन होंगे, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हो, इलस्ट्रेशन के फॉर्म में हो, कुछ भी तरीके से, राइट? और फिर आती है अनसॉल्व एक्सरसाइजेस, चाहे वो लेवल में कटिंग हो, लेवल वन हो, लेवल टू हो, वट एवर इट माइट बी। ये तीन मेजर कैटेगरीज में क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बुक और इनफैक्ट कोचिंग मटीरियल में भी। अब बच्चों को डाउट ये आता है कि सर उन्हें कैसे किस ऑर्डर में सॉल्व करना है सो दैट सर मेरा स्कोर अच्छा बने और मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये दो चीजें, मेरा स्कोर और मेरा सिलेबस, दोनों अपने में अलग अलग बातें हैं पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का इंपैक्ट एक साथ मेजर करा जाता है। सो अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी बुक आप उठाओ, चाहे वो सेंगेज, टाटा मैग्रॉ हिल, आरडी, कुछ भी उठाएं, हमारा पहला रूल होता है कि उसे पूरा 100% खत्म करना है। अब 100% सर मेरा कभी भी खत्म नहीं होता है, मेरा बैकलॉग है ना ये बात, ठीक है? तो अगर ये है बात तो इसको सर मैं कैसे इंप्रूव करूं? अब इसमें एक चीज मैं और नोटिस करूं कि आप क्या टाइम बेस्ड भी प्रैक्टिस करते हो बुक से? नहीं सर, वो तो मैं नहीं करता। तो करते क्या हो, हम जनरली एज अ स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और इक्का दुक्का अनसॉल्व तक पहुंच पाते हैं बच्चे, और अदरवाइज हम अनसॉल्व तो सॉल्व भी नहीं करते हैं, और हमें लगता है हमने सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए हैं तो हमारा स्कोर बनना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं, पर इवेंचुअली पेपर वाले दिन हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि जब तक हम अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा स्कोर नहीं बनने वाला। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें दो तरीके के बच्चे हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। One category of students is those who are going to coaching institute. So for coaching institute going students, books come as second resource. उनका books जो होता है primary resource नहीं होता, उनका secondary resource होता है, क्यों? उनके teacher या उनका institute उन्हें material दे रहा है, तो उनका पहला target होता है उनको वो material खत्म करना। और अगर आप एक कोई अच्छे renowned institute में पढ़ रहे हैं तो उनका material, मेरा पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, self sufficient होता है, at least for JEE mains. JEE mains में हमें मारधाड़ मचाने की जरूरत नहीं है, तो आप उतना ही कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर इंडिविजुअल कोचिंग पे जाते हैं ट्यूशन टीचर्स, बट पढ़ते बुक से हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि सर किताब कैसे करें। तो अगर मैं उन लोगों के बारे में बात करूं तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए सॉल्व क्वेश्चंस करना। सॉल्व क्वेश्चंस कैसे करना वो मुझसे ज्यादा जरूरी है। सॉल्व क्वेश्चन मेरे हिसाब से मान के चले, अगर कोई भी एक चैप्टर होगा तो बुक में 80-90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर दिए होते हैं। अच्छी बात क्या होती है, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर विच आर गिवन इन सॉल्व एग्जांपल फॉर्मेट। तो आपके लिए वो ऑब्वियस ही बात है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टू प्रैक्टिस ऑन, ठीक है? किसी किताब में कम भी होंगे, कहीं में ज्यादा होंगे। तो अगर आप उसको ढंग से कर लें तो आधा काम वहीं खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ढंग से करना। ढंग से करने का मतलब ये नहीं होता सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा सर सॉल्व नहीं हो रहा, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्यों? इसका तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि सारी दुनिया इस समय पीडीएफ के पीछे भागती है। पीडीएफ ऑफ सॉल्यूशन दूसरी सबसे बड़ी सर्च होती है तुम लोगों की गूगल के ऊपर। वही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है आपकी लाइफ में, पीडीएफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पीडीएफ सबसे खतरनाक चीज। क्योंकि जिस दिन आपने सॉल्यूशन पे डिपेंडेंसी शुरू कर दी, ये आप याद रखना, आपको सिर्फ फील गुड फैक्टर मिलेगा, पेपर वाले दिन आपके नंबर नहीं आने। मैं रिटर्न में दे सकता हूं तुम लोगों को। आपको करना क्या है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आप अटके, जरूर अटकेंगे, और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे बहुत ज्यादा अटकेंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए क्या मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कर सकता हूं, दोबारा ट्राई करें, नहीं हुआ दूसरी बार में भी, तो अब पूरा सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको, उसको छुपा छुपा के एक एक लाइन करके देखना चाहिए। ओके, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया था, चलो फर्स्ट लाइन देखता हूं, उससे हिंट लो, वो हिंट मिलने के बाद सॉल्व करो, फिर अटक गए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक लाइन और देखो, क्या मेरा जो स्टेप था जो मैंने करा, वो सेकंड स्टेप जो बुक में दिया मैच होता है,
मैच होता है, थर्ड स्टेप चेक करो. तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करो जिससे आप पता लगा पाए कहां आप अटक रहे हैं, और हिंट जितनी चाहिए उतना ही सॉल्यूशन देखना है. सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहना है. अगर आप सॉल्यूशन देख के पढ़ाई कर रहे हैं, रैंक तो बहुत दूर की बात है बच्चों, भूल जाओ रैंक, 1 लाख के अंदर भी नहीं आओगे, जे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. प्लीज इस बात को समझो. दिस इज वॉट टॉपर्स डू विच यू डू नॉट आस्क देम. आप सिर्फ उनसे ये पूछते हो कि सर कौन सी किताब सॉल्व करी भैया आपने, आपने कौन सी कैसे कहां कोचिंग करी, आप कौन से टीचर से पढ़े, आपने क्या करा. अरे उससे ये पूछो उसने कैसे करा, वो ज्यादा जरूरी है. तो टॉपर्स नेवर एवर सी सॉल्यूशंस. वो अपने से फाइट करते हैं, अपने को प्रेशर सिचुएशन में डालते हैं, चेक करते रहते हैं, लगे रहते हैं, पर सॉल्यूशन नहीं देखते हैं. तो अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, हमें पता है जो कि है क्योंकि 5 महीने रह गए हैं अब, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखें और उसको सॉल्व करें. इस तरीके से सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है. इसमें टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो सॉल्व एग्जाम्पल में आप टाइम लगेगा तो उसको टाइम दें. अब बात करते हैं अनसॉल्व एक्सरसाइज की. अनसॉल्व एक्सरसाइज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी सॉल्व एग्जाम्पल्स की या प्रॉब्लम्स थी. अब अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स जिस तरीके से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप ढंग से कवर कर कर करके करा है, आपको टाइम लगेगा पर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत हाई हो जाएगी, जो हेल्प करेगा आपको आपकी स्पीड इंप्रूव करने में, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में और नए क्वेश्चन को अटैक करने में, जो आप खुद से टेस्ट कर सकते हो अनसॉल्व एक्सरसाइज करने में. प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग दिस एंड आफ्टर अ 10 डेज टाइम कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड देन ऑल्सो कमेंट क्या इंप्रूवमेंट हुआ, मुझे जरूर बताना. तो अब जो अनसॉल्व एक्सरसाइज थी उसमें क्या करोगे, आधे क्वेश्चन जैसे स्पीड से सॉल्व करते हो उसी स्पीड से आधे क्वेश्चन को टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करो. टाइम बाउंड का क्या मतलब है, अगर वो जे मेंस लेवल की किताब है तो आपको पता है आपको मैथ्स के सेशन में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट के अंदर मैक्स, राइट. सो आपका टारगेट होना चाहिए आज मैं इन 30 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर लेट्स से 1 से लेकर 30 या आपने 20 से 50, 30 से 60, मैं 30 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा एज अ टेस्ट. अब जरूरी नहीं है इसमें 30 के 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हमें चाहिए क्या, कितने क्वेश्चन मैं ढंग से समझ पाया, कितने क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर पाया और मेरे कितने गलत हुए. तो बेसिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी में आप टेस्ट टेकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट योर टारगेट शुड बी. इफ यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, सो फॉर एग्जांपल इफ देर आर 120 क्वेश्चंस इन अ बैक एक्सरसाइज ऑफ एनी ऑफ द बुक्स, व्हाट यू शुड डू, 30 क्वेश्चंस शुड बी अंडर टाइम प्रैक्टिस, 90 शुड बी व्हाट एवर यू आर डूइंग. इस तरीके से करोगे तो रिजल्ट वाली मेहनत होगी. आप इसमें जब 90 क्वेश्चंस जो आप टाइम बाउंड में नहीं कर रहे, अगर वो टाइम बाउंड वे में जो नहीं करने थे क्वेश्चंस, उन 90 क्वेश्चन में रेपिटेशन है कॉन्सेप्ट की, तो उसे छोड़ दो, टिक मार्क करो और आगे बढ़ जाओ. इस तरीके से किसी भी किताब को आप सक्सेसफुली कवर कर सकते हो लिमिटेड टाइम के अंदर भी. वो लिमिटेड टाइम कब होगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेप मैनर क्या है, जो आपके सॉल्व क्वेश्चंस थे उन्हें खुद से सॉल्व करेंगे सिर्फ हिंट्स लेके, ना कि सॉल्यूशन बना के. उसमें टाइम लगाओ, जो टाइम आप वहां लगाओगे वो टाइम आपका आगे की एक्सरसाइज में बचेगा, प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्लस स्पीड, प्लस एक्यूरेसी में बनेगा. और उसके बाद आप जरूर 30% या 25% ऑफ बैक एक्सरसाइज को एज अ टेस्ट की तरह अपने घर पे तैयारी करें. एंड नाउ यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी नॉट जस्ट इन मैथ्स, इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, एंड यू विल फील इमेंस चेंज इन द आउटपुट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बिलीव मी गाइस. ठीक है, एक सुपर स्ट्रैटेजी या वर्ड या स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल. आप इसको समझो कि ये आप अगर करना शुरू कर दोगे सिंपल भाषा में, आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा. स्टार्ट डूइंग इट अभी से, आज से शुरू कर दो. क्लियर है गाइस? कुछ भी और आपको लगता है इस रिगार्ड में आपको पूछना है, ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, लिखें क्या प्रॉब्लम है, वैसे क्या हेल्प चाहते हैं. थोड़ा हो सकता है समय लगेगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास इस समय इतने ज्यादा कमेंट्स और इतने ज्यादा ईमेल आ रहे हैं कि हम लोग ओवरफ्लडेड हैं. इट माइट टेक सम टाइम, डे 2 और 3, बट आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड रिप्लाई टू यू. गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड. और भूलना क्या नहीं है, पेपर फोड़ना है सर, पेपर फोड़ना है. ठीक है, स्पिरिट हाई रखो, रिजल्ट आए ना आए, हमें स्पिरिट हमेशा हाई रखनी है. हमें अपने कैरेक्टर में घुसना है कि यार हम मेहनत करने वाले हैं, हम मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये बिलीव करके हमें पढ़ाई करनी है. ऑलराइट, God bless, stay blessed, stay healthy.